गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं में विषय सामाजिक विज्ञान का पाठ दूसरा पढ़ेंगे, जिसका नाम है दक्षिण भारत के राज्य 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। इसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो बच्चों, पूरा पाठ अभी अपन इस वीडियो में नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप अपनी किताब खोलकर इस पाठ को 2 या 3 बार पढ़ना। मैं इसका आपको केवल सारांश समझाऊंगी, तो आप भी अपनी किताब खोलकर बैठिए। दक्षिण भारत के राज्य में 8वीं सदी के में दक्षिण भारत में प्रमुख पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, पांड्य और चेर राज्य में बांटा हुआ था। कौन कौन से राज्य में बांटा हुआ था? पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, पांड्य और चेर राज्य में। पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया। चेर राज्य में तथा मद्रास के तटवर्ती क्षेत्र में था। सर्वप्रथम चोल शासक विजयालय 846-871 ने इस वंश की शक्ति एवं वैभव का विस्तार किया। कौन से इसमें सदी में 846 और 871 में, और अपने राज्य का विस्तार किया इसने। महाप्रतापी राजा राजराज और उसके पुत्र राजेंद्र चोल ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दक्षिण पूर्व एशिया तक चोल राज्य का विस्तार किया। चोल राजाओं का शासन प्रबंध अपने युग का सर्वश्रेष्ठ शासन प्रबंध था, और चोल राजाओं ने मंदिर और भव्य भवन का निर्माण किया। इस पर अत्यधिक उन्होंने बल दिया। काय पे दिया? चोल राजाओं ने भवन और भव्य भवन, मतलब बड़े बड़े भवनों का उन्होंने निर्माण किया। और 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से नव जागरण और उत्थान का काल था। 8वीं शताब्दी का काल कौन से नव जागरण का था? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से नव जागरण का काल था। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट प्रथम ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? भव्य कैलाश मंदिर का। तो आपका ये प्रश्न बन जाएगा बच्चों कि उसने राष्ट्रकूट नरेश ने कृष्ण प्रथम ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, और इसने जो है पहाड़ी में जो एक पहाड़ी को काट कर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में 4 मठों की स्थापना करवाई थी। शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना करवाई थी? आपका एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि शंकराचार्य जी ने कितने मठों की स्थापना करवाई थी? 4 मठों की। और उत्तर में बद्रीनाथ और ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका का शारदा पीठ, पूर्व में पुरी का गोवर्धन मठ और दक्षिण में शंगेर मठ। इन चारों के नाम आप नोट कर लेना। एक बार फिर मैं बोल देती हूँ, बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका का शारदा पीठ, पूर्व में पुरी का गोवर्धन मठ और दक्षिण में शंगेरी मठ। ये 4 मठ शंकराचार्य जी ने इनकी स्थापना करी थी, और 8वीं शताब्दी में ही ये शंकराचार्य जी जैसे महान संत हुए थे। तो बच्चों, इस पाठ का मैंने आपको सारांश समझा दिया है, और अब मैं आपको इसके जो प्रश्न उत्तर है, रिक्त स्थान है, उनके फोटो खींच के मैं आपको भेज दूंगी। आज की वीडियो यहीं तक बच्चों।